साहिल चलो फुटबॉल खेलते हैं, कम ऑन किक द बॉल। आरव आप हमारे साथ खेलोगे साहिल के साथ? नहीं नहीं मैं साहिल के साथ खेलूंगा। साहिल कम ऑन किक द बॉल। आरव कहा ना नहीं, नहीं आप तो बड़ी है, मैं आपके साथ कैसे खेल सकता हूँ। साहिल साहिल चलो फुटबॉल खेलते हैं, कम कम कम। आरव सुनो ना हमारी बात प्लीज। साहिल बेटा आप जाओ। कैसा बेटा? मैं अच्छा। सिद्धांत अरुंधति मैं साहिल को लेने के लिए। नहीं मुझे साहिल के साथ खेलना है। आरव हमने कहा ना नहीं। अरुंधति तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता ना कि इंसान तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलकर अभी भी तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और अपने जुर्मों की सजा से बचने के लिए ये सब नाटक कर। इतने दिनों में आरव को हम इतना तो पहचान ही चुके हैं कि वो कब नाटक करता है और कब सच बोल रहा है। एक लड़की प्यार में एक बार धोखा खा सकती है, बार बार नहीं। साहिल हैंड्स अप। आरव आरव गन दो। नहीं मैं गन नहीं दूंगा। पहले अंकल को बोलो कि साहिल को छोड़ दे, मुझे साहिल के साथ खेलना है। सिद्धांत प्लीज कुछ करो, ये गन प्लीज गन लो आरव के हाथ से। आरव गन छोड़, गन मुझे दो। साहिल को छोड़ो, मुझे उसके साथ खेलना है। आरव गन मैं गन नहीं दूंगा। आरव गन वापस करो। आरव गन मुझे दो। आरव गन साहिल को संभाल। साहिल आरव आरव साहिल को छोड़ दो। साहिल कामिया साहिल कामिया। आरव मैं गन भरी हुई है चल जाएगी। नहीं आरव मैंने कहा मुझे साहिल के साथ खेलना है। पीछे हटो अंकल पीछे हटो। मैं पीछे हूँ, गन मुझे दो। नहीं साहिल साहिल चलो खेलते हैं। साहिल नहीं अरे मैंने बोला गन मैं गन नहीं दूंगा। आरव नहीं आरव गन दो। आरव साहिल इधर आओ। मैंने बोला साहिल चलो अंदर चल। आरव आरव हाथ दो। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। अब यकीन हो गया ये नाटक कर रहा है या नहीं? बहुत दर्द हो रहा है टीचर, धीरे से बहुत दर्द हो रहा है। आरव आपको गन नहीं लेनी चाहिए थी, आप गन लेकर भागे और फिर गिर गए, आपको चोट लग गई ना, बस। आरव बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आप ब्रेव हो ना, और ब्रेव लोगों को दर्द नहीं होता। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ जख्म तो वक्त के साथ साथ भर जाते हैं, मगर कुछ जख्म कभी नहीं भरते।
तुम्हारे चेहरे पर जो डर है ना, उसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। अलम भाई, अलम, अलम भाई। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। ऐसा क्या हुआ था आरव तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर गई? कौन था इसके पीछे? हमारी बातों पर विश्वास करो। हाँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो यहाँ रुको एक मिनट। ये संदूक देख रही हो अम्मा? बहुत भारी है। जानती हो संदूक में क्या है? गुड़िया, गुड़िया, ढेर सारी गुड़िया, ऐसी वैसी नहीं, खास गुड़िया। ये देखो, कितनी सारी अलग अलग गुड़िया है, और ऐसी वैसी नहीं। माँ, ये देखो, ये गुड़िया मैं हूँ अम्मा, ये मैं हूँ, और ये अम्मा, इस गुड़िया को ध्यान से देखो, ये गुड़िया तुम हो। देखो देखो, ये लल्ला है, लल्ला। इस बुढ़िया की मदद से अरुंधति ने लल्ला पर जादू टोना किया है। हाय अम्मा, उस दिन वो छोटा बच्चा था ना, उसके जन्मदिन पर मैंने अरुंधति को इन गुड़ियों के साथ देखा। आपको कैसी लगी कहानी? नहीं, अच्छी नहीं लगी, कोई और कहानी सुनाओ। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, तो अब आपको सुनाएंगे, हाँ, दो सुपर हीरोज की सुपर फाइट की स्टोरी। ठीक है? नहीं, फाइटिंग की कहानी नहीं, मुझे फाइटिंग पसंद नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी हर वक्त फाइट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हें अपनी एक एक सांस मौत से भी भारी लगेगी। मैंने कहा वो बुड्ढा कहाँ है? तुम शांत हो जाओ। मैं नहीं छोडूंगा। हाँ, पता है आरव, हमें भी पसंद नहीं है फाइटिंग। रियली? टीचर, आप और मैं कितने सेम सेम हैं। इस लल्ला वाले गुड़िया की मदद से अरुंधति ने हमारे लल्ला को पहले जख्मी किया, फिर उसे 9 साल का बच्चा बना दिया। हाय हाय, लल्ला तो पूरी तरह उस लड़की का गुलाम हो गया है अम्मा। वो कहती है बैठो तो बैठता है, वो कहती है तोड़ता है, पता नहीं और क्या क्या कर पाएगी हमारे लल्ला से अम्मा। हाँ, उस दिन यही हुआ था। तुम सही कह रही हो पद्मा, हमारा लल्ला पहले इतना कमजोर नहीं था, इसने हमारे लल्ला को वश में कर लिया। ये जादूगरनी है
लेकिन पद्मा अब हम क्या करें? कैसे अपने लल्ला को इस जादूगरनी के वश से हटा लें? अम्मा, हमें बस अरुंधति को लल्ला की जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक देना है, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े, हाय हाय करना होगा हमें। हाँ हाँ करना होगा। ठीक कह रही। हाँ, लल्ला को बचाना है बस।